यूपी के कानपुर में टैक्स चोरी के आरोपी इत्र कारोबारी पीयूष जैन को सेंट्रल जीएसटी टीम ने रविवार रात गिरफ्तार कर लिया। पीयूष जैन को आज कानपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि सेंट्रल जीएसटी कोर्ट से पूछताछ के लिए पीयूष जैन की रिमांड मांगेगी। वहीं पीयूष के दोनों बेटे पहले से हिरासत में हैं। बताया जा रहा है कि जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय और आयकर विभाग की अब तक की छापेमारी में पीयूष के कन्नौज और कानपुर के घर में कुल 257 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। पीयूष जैन के कानपुर के घर 177 करोड़ रुपए नकद मिले थे, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने इत्र कारोबारी के कन्नौज वाले घर और फैक्ट्री पर छापेमारी की। शनिवार देर रात मकान में एक तहखाना भी मिला था। सूत्रों ने बताया कि तहखाने में नोटों से भरे 9 बोरे भी मिले। अभी इनकी गिनती जारी है। नोट गिनने के लिए कानपुर से 7 मशीनें मंगाई गई हैं। इसके साथ ही बैंक अफसरों को भी बुलाया गया है। माना जा रहा है कि 50 करोड़ के करीब की नकदी है। एक फ्लैट में 300 चाबियां भी मिली हैं। कानपुर के बाद कन्नौज में जैन के घर से मिल रही नकदी और जेवरात देखकर अफसर भी दंग है। पीयूष जैन के घर में 177 करोड़ रुपए की गड्डियां यूं ही एकत्र नहीं हो गई। रात के अंधेरे में गत्ते के कार्टून में रखकर नोटों की गड्डियां कार से लाई जाती थी। कार को यूं तो सामान्य तौर पर गेट के बाहर रखा जाता था, लेकिन जब भी नोटों के बंडल लाते थे तो उसे सीधे अंदर ले जाकर गेट बंद कर दिया जाता था। कार खड़ी करने के इन तरीकों से ही अब आसपास के लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं। XXX मकान, उस पे बराबरी ऊपर स्विमिंग पूल होने के बावजूद पीयूष कभी घर के अंदर किसी को नहीं बुलाते थे। दरअसल अहमदाबाद के DGGI ने टीम की एक ट्रक को पकड़ा था। इस ट्रक में जा रहे सामानों के बिल फर्जी कंपनियों के नाम पर बनाए गए थे। सभी बिल 50,000 रुपए से कम थे, ताकि ईवे बिल ना बनाना पड़े। इसके बाद DGGI ने कानपुर में ट्रांसपोर्टर के यहाँ छापेमारी की। यहाँ पर DGGI को करीब 200 फर्जी बिल मिले। यहीं से DGGI को पीयूष जैन के फर्जी बिलों का कुछ कनेक्शन पता लगा और फिर उनके घर पे छापेमारी की गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।